There are number of choices like Russia, China, Armenia, Belarus, Kyrgyzstan, Kazakhstan for MBBS abroad as per the NMC guidelines. But which country will you choose? Kya MBBS in Kazakhstan is a right option for you? Is your degree of medicine from Kazakhstan a valid degree? Kya Kazakhstan ek Islamic country hai? And what is the present number of Indian students currently studying in Kazakhstan? Aise bahut sare questions hain jo students aur parents ke dimag mein chalte hain when they plan MBBS abroad. Hello everyone, welcome back to our channel Bisav Education. Many of the students want to go for the best option for MBBS abroad according to their suitability, but without knowing each and every pros and cons, they make their decision. So, आज के वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट MBBS इन कजाकिस्तान के बारे में. सो टुडेज वीडियो इज ऑल अबाउट MBBS इन कजाकिस्तान. बट बिफोर वी स्टार्ट, प्लीज डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल सो दैट यू विल गेट द लेटेस्ट नोटिफिकेशन विच आर जेन्युइन टू, ताकि आप कुछ भी मिस आउट ना करें. सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड. आज के वीडियो में हम बात करेंगे कजाकिस्तान के बारे में सारा कुछ, लाइक इट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, इसका कोर्स ड्यूरेशन, इट्स टोटल बजट और भी बहुत कुछ जो आपके लिए जानना ज़रूरी है, विच विल हेल्प यू टू नो मोर अबाउट कजाकिस्तान. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विथ इट्स डिसएडवांटेज, क्योंकि बहुत सारे वीडियोस को आप ऑलरेडी गो थ्रू कर चुके हैं एंड मोस्टली सब आपको सिर्फ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स के बारे में ही बताते हैं. तो जो पहला ड्रॉबैक है अबाउट MBBS इन कजाकिस्तान इज इट्स लो FMG रिजल्ट. जो FMG पासिंग परसेंटेज है कजाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ का, वो उतना अच्छा नहीं है टू बी वेरी ऑनेस्ट. अगर आप रिसर्च करेंगे एंड गो थ्रू करेंगे तो आप एक दो यूनिवर्सिटी का ही पासिंग परसेंटेज अच्छा है. और नेक्स्ट जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि सम ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ ऑफ कजाकिस्तान आर न्यूली ओपन्ड. तो द पॉइंट इज़ आप उन यूनिवर्सिटीज़ को चूज़ करना कम्प्लीटली अवॉइड करेंगे. एंड ऑल्सो सम ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ आर टॉप रैंक्ड और वो ओल्ड यूनिवर्सिटी भी हैं. बट इन यूनिवर्सिटीज़ में जो मेडिसिन की स्टडीज़ हैं वो 2015-16 से ही स्टार्ट हुई है. सो एज वी हैव डिस्कस्ड द डिसएडवांटेजेस, नाउ लेट्स सी द एडवांटेजेस ऑफ चूजिंग कजाकिस्तान फॉर MBBS. एडवांटेज हम तभी कंसिडर करेंगे जब आप राइट यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करते हो गाइज. तो जो सबसे पहला एडवांटेज है वो है इसका कोर्स करिकुलम. जो आपका MBBS का कोर्स ड्यूरेशन है इन कजाकिस्तान वो है 4.8 ईयर्स का, जो कि सेम है एज ऑफ इंडिया. और ये एडवांटेज ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स के लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल है. एंड ऑल्सो द फुल कोर्स इज इन इंग्लिश मीडियम. तो इससे ये क्लियर हो जाता है कि जो आपकी MBBS की डिग्री है वो इंडिया में वैलिड तो है ही एंड इट इज़ वर्ल्ड वाइड वैलिड टू. और आप अपना लाइसेंस एग्जाम क्लियर करके कहीं भी प्रैक्टिस कर सकते हैं एज द यूनिवर्सिटीज़ आर WHO लिस्टेड एंड NMC अप्रूव्ड. और इसके अलावा सबका ये भी कंसर्न रहता है कि हाउ मैनी इंडियन स्टूडेंट्स आर देयर. तो लेट मी मेक इट वेरी क्लियर टू यू ऑल गाइज कि नाउ एट प्रेजेंट अप्रॉक्स 4,000 इंडियन स्टूडेंट्स वहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, जिनमें मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर मेडिकल स्टूडेंट्स. एंड द रीज़न इज देर आर लो बजट यूनिवर्सिटीज़, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ विथ ह्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर, गुड क्लिनिकल फैसिलिटीज, हॉस्पिटल्स, डिपार्टमेंट्स एंड गुड पेशेंट्स इन फ्लो, विच मीन्स यू विल गेट गुड हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस. नाउ नेक्स्ट एडवांटेज की अगर हम बात करें तो इट वुड बी ट्रैवल डिस्टेंस, जो कि काफ़ी कम है एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज. दिल्ली से आपको सिर्फ 3 से 4 घंटे लगते हैं टू रीच कजाकिस्तान. एंड ऑल्सो देर आर डेवलप्ड सिटीज़, तो आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती नहीं है गाइस रिलेटेड टू एनी फैसिलिटीज़. नाउ नेक्स्ट वी विल मूव ऑन टू द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़, कजाकिस्तान से MBBS करना इज़ वे टू ईजी.
आपको कोई भी एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना होता है। आपका बस 12th में जो मार्क्स होना चाहिए दैट शुड बी 50% इन PCB फॉर ओपन कैटेगरी एंड 40% मार्क्स फॉर रिजर्व कैटेगरी इन योर 12th एग्जाम। इसके साथ साथ आपके पास 10th एंड 12th का मार्कशीट होना चाहिए, प्लस आपकी पासिंग सर्टिफिकेट होनी चाहिए एंड यू मस्ट बी नीट क्वालिफाइड, प्लस एक वैलिड पासपोर्ट एंड 8 to 10 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स। तो अगर आपको कजाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ में अपना एडमिशन्स कराना है देन यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन आवर गिवन नंबर्स। नाउ नेक्स्ट पैरामीटर है बजट, कि कजाकिस्तान से MBBS का टोटल बजट क्या आएगा। तो जो आपका टोटल बजट है वो रेंज करेगा फ्रॉम 18 to 30 lakhs डिपेंडिंग अपॉन द यूनिवर्सिटीज़। इस अमाउंट में आपके सारे चार्जेस इंक्लूडेड हैं, दैट इज़ ट्यूशन फीस, हॉस्टल फीस, मेडिकल इंश्योरेंस, वीज़ा चार्जेस, बट एक्सक्लूडिंग एयर टिकट्स एंड फूड बिकॉज दीज एक्सपेंसेस वैरी। अब बात आती है सेफ्टी की, कि क्या कजाकिस्तान एक सेफर ऑप्शन है बिकॉज इट इज़ एन इस्लामिक कंट्री। तो यस, इट इज़ एन इस्लामिक कंट्री। जो यहाँ की पॉपुलेशन है दैट इज़ 1.9 crores, उसका 70.20% इस्लाम रिलीजन को प्रैक्टिस करता है एंड 26.32% क्रिश्चियनिटी को। बट ऐसा नहीं है कि अदर रिलीजन्स आर नॉट फॉलोड एंड रिस्पेक्टेड एंड द सेफ्टी नॉर्म्स आर स्ट्रिक्ट। सो आपको सेफ्टी से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी गाइज। और हम अपने लास्ट 8-9 ईयर्स के एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग ये भी कह सकते हैं कजाकिस्तान मेडिकल स्टडीज़ के लिए सेफर ऑप्शन है बिकॉज किसी भी स्टूडेंट के साथ सेफ्टी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आज तक की नहीं आई है गाइज। सो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर MBBS इन कजाकिस्तान। सो गाइज आई होप I have cleared all the doubts related to MBBS in Kazakhstan. But still, अगर आपको लगता है कि you want to know more, you can ask in the comment section below. Or you can also contact on our given number. I hope you found this video helpful. So don't forget to like, share and subscribe. Thank you for watching and bye bye for now.